गाइस, तो अभी रिसेंटली एक बंदे ने मुझसे पूछा कि भैया कौन सा लेना चाहिए, इंटीग्रेटेड जीपीयू या फिर डेडिकेटेड जीपीयू वाला। मैंने कहा अच्छा, एक वीडियो तो बनती है इस पे भी, राइट। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि सीपीयू क्या होता है और जीपीयू क्या होता है। तो देखो, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका मेन काम होता है तुम्हारे टास्क परफॉर्म करना। वेल, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम है तुम्हारे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर कहीं पर भी ग्राफिक्स देना, ठीक है। कुड भी नॉर्मल स्क्रीन, डिस्प्ले, जो भी चीजें आ रही है वो ग्राफिक्स है, नॉर्मल, ठीक है। सीपीयू का मतलब 1+1=2। सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेटेड जीपीयू का मतलब क्या है? जब सीपीयू और जीपीयू एक ही चिप पर बैठे होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीपीयू, और जब हमारा सीपीयू और जीपीयू अलग अलग चिप पर होते हैं तो उसको बोलते हैं डेडिकेटेड जीपीयू। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इंटेल की जो के सीरीज आती है, जिसमें लास्ट में के लगा होता है, उसमें तुम जीपीयू पार नहीं देखोगे। तो अगर तुम उस सीपीयू को अपने कंप्यूटर में लगाओगे तो तुम्हें डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि जीपीयू के पार उसमें है ही नहीं। कंपनी ने बोला है कि भाई इसके साथ तुम्हें डेडिकेटेड जीपीयू लेना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द वे इट इज, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज मेमोरी। तो गाइस, तुम्हारा आईजीपीयू होता है वो कंप्यूटर की ही मेमोरी लेता है, वही वाली रैम यूज करता है, वही वाला कैश यूज करता है। वाइल जो तुम्हारा डेडिकेटेड जीपीयू है उसमें अलग से वीरैम है। तुमने सुना होगा कि 6 GB का ग्राफिक कार्ड, 4 GB का ग्राफिक कार्ड, तो उसकी अलग वीरैम होती है, उसकी अलग कैश होता है, सब कुछ उसमें अलग होता है, ताकि वो एक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए और सीपीयू पे बॉटलनेक ना हो। तो अब जल्दी से दोनों के डिफरेंसेस की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कंपोजिशन। तो जैसा कि मैंने तुम्हें समझा, इंटीग्रेटेड चिप पर होता है और डेडिकेटेड चिप पर नहीं होता है, दैट इज द वे इट इज। सेकंड पॉइंट इज वर्क कैपेबिलिटी, यानी कि जो इंटीग्रेटेड चिप होगी तुम्हारी, उसमें तुम नॉर्मल अपने काम कर पाओगे, वाइल हैवी काम उसमें नहीं होते हैं। डेडिकेटेड बना ही तुम्हारा हैवी कामों के लिए, इसलिए अलग से पावर सप्लाई भी लगती है उसमें, समझ रहे हो। पॉइंट नंबर 3, परफॉर्मेंस। तो देखो, इंटीग्रेट को तुम यूज करोगे यूजुअली एक्सेल, पावर पॉइंट, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग, मूवीज देखना, इन सब के लिए भी जीपीयू पावर लगती है, तो वो तुम्हारा सीपीयू में ऑलरेडी आती है 95% ऑफ द केसेस में, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 11900 की है, तो उसमें नहीं थी। बाकी लेट सपोज अगर तुम्हें हैवी काम करने से 3D रेंडरिंग करनी है, प्रीमियर प्रो करना है या फिर एनिमेशन करना है, तो इन दैट केस डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इज योर चॉइस। फिफ्थ पॉइंट इज पावर कंजम्पशन। तो देखो, इंटीग्रेटेड चिप क्योंकि सीपीयू के साथ है तो वही 5-10 वोल्ट पे चलता है, वाइल तुम्हारी जो डेडिकेटेड जीपीयू होते हैं गाइस, उनमें अलग से पावर सप्लाई लगती है, तो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। इनफैक्ट जो 3080 आता है उसमें 3 केबल है पावर लगने के लिए, तो तुम समझ सकते हो कितनी पावर चाहिए होती है उसको। सिक्स्थ इशू इज हीटिंग। तो देखो, इंटीग्रेटेड जीपीयू में हीटिंग का सवाल नहीं उठता, बहुत ही रेयरली ही कभी कोई हीट होगा, वाइल तुम्हारा डेडिकेटेड जीपीयू काफी हाई चांसेस हीट होने के, क्योंकि इतनी पावर चाहिए होती है, इतना अच्छा परफॉर्म करता है, इतनी हीट जनरेट करता है वो, तो That's the way it is. अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखो, जो तुम्हारे सीपीयू होते हैं उनमें अगर तुम 2-3 हज़ार 5 हज़ार और डालोगे तो आईजीपीयू मिल जाएगा उसमें तुम्हें, वाइल अगर तुम डेडिकेटेड जीपीयू लेना चाह रहे हो तो वाइज ये तो आंधी दुनिया है, तुम्हें पता ही है जीपीयू के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं। 30 हज़ार का जीपीयू तुम्हें अराउंड 70-80-90 तक मिल रहा है, तो फिर यहाँ तो तुम्हारे बजट के ऊपर है, 2-2.5 लाख तक भी तुम्हें जीपीयू मिल जाएंगे। अब जल्दी से एक बार फटाफट तुम्हारे एडवांटेजेस लिस्ट करवा देता हूँ मैं। तो देखो, आईजीपीयू का स्मॉल साइज है, कम पावर लेता है, हीटिंग इश्यूज नहीं है, फैन की जरूरत नहीं है, एंड सबसे जरूरी चीज, एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अब बात करें इसमें डिसएडवांटेजेस की, तो लिमिटेड यूजेज है इसका, बहुत हाई एंड गेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो, एंड नॉट अपग्रेडेबल एंड नॉन रिमूवेबल। ऐसा नहीं कर सकते यार, 2 महीने बाद जाके बोलो कि भाई नहीं यार अब नहीं करना हमें दूसरा वाला आईजीपीयू, तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। सीपीयू में ऑलरेडी डल के आता है, तो फिर देखो इसका कुछ नहीं कर सकते, जो है वही है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अब एक क्वेश्चन आएगी दिमाग में, भाई आईजीपीयू लूं या नहीं लूं? तो देखो, सिंपल सीधा साधा फंडा है, अगर तुम लोग नॉन गेमर हो या फिर नॉन हैवी टास्क करने वाले हो, नॉन जीपीयू बेस्ड हैवी टास्क, ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई, ऑटोकैड जीपीयू बेस्ड टास्क नहीं होता है, सीपीयू बेस्ड टास्क होता है। वेल, प्रीमियर प्रो तुम्हारे जीपीयू बेस्ड टास्क है, अडोबी खुद रेकमेंड करता है कि मिनिमम 2 GB की वीरैम तुम्हें मिलनी चाहिए, वाइल ट्राई करो कि तुम्हें 4 GB तक की वीरैम तो ये लोग दे ही दे, ठीक है। बाकी अगर बात करें कंपैरिजन की, तो गाइस आयरिस एक्सी काफी अच्छा तुम्हारा इंटीग्रेट जीपीयू है, इनफैक्ट बेटर देन तुम्हारा MX350 ऑल्सो। तो हर जगह डेडिकेटेड का मतलब अच्छा नहीं होता है, इंटीग्रेटेड भी अब काफी ज्यादा जनरेशन में आगे आ गए हैं। तो एंड करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें मजा आया और समझ में आ गया होगी आईजीपीयू अच्छा है, डीजीपीयू अच्छा है। तो मिलते हैं इस तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।